नमस्कार, मैं हूँ शाश्वत सिंह। न्यूज फॉर सोशल में आपका स्वागत है। भारतीय स्टेट बैंक अपने 30,000 कर्मचारियों के लिए VRS लाने की तैयारी कर रहा है। बैंक कर्मचारियों के लिए SBI एक बड़ी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाने की तैयारी कर रहा है। इस योजना से 30,190 कर्मचारी बैंक से बाहर हो सकते हैं। VRS के लिए एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। इस प्रस्तावित VRS का नाम सेकंड इनिंग टैप VRS 2020 है। इससे पहले वर्ष 2001 में SBI ने VRS की पेशकश की थी। SBI के कुल कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 2020 तक 2.49 लाख थी, जबकि मार्च 2019 तक यह संख्या 2.57 लाख थी। प्रस्तावित ड्राफ्ट के मुताबिक कुल 11,565 अधिकारी और 18,625 कर्मचारी VRS स्कीम के लिए पात्र होंगे। बैंक का कहना है कि लागत में कटौती के लिए यह पहल की जा रही है। इसमें कहा गया है कि यदि योजना के तहत रिटायरमेंट के योग्य कर्मचारियों में से 30% भी VRS का विकल्प चुनते हैं तो जुलाई 2020 के वेतन पर आधारित अनुमान के तहत SBI को करीब 1,662.86 करोड़ रुपए की बचत होगी। सूत्रों के मुताबिक SBI की VRS योजना ऐसे भी स्थायी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुली होगी जिन्होंने निर्धारित तारीख तक बैंक को 25 साल की सेवा दी होगी या 55 साल की उम्र पूरी कर चुके होंगे। यह योजना इस साल के 1 दिसंबर से फरवरी 2021 के आखिरी तक खुली रहेगी, यानी इसी अवधि में VRS के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जिन कर्मचारियों की VRS का आवेदन स्वीकार किया जाएगा उन्हें वास्तविक रिटायरमेंट तारीख तक बची हुई सेवा अवधि के लिए वेतन का 50% एक्स ग्रेसिया के रूप में मिलेगा। इसके अलावा अन्य फायदे जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन, भविष्य निधि और मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सरकार के इस फैसले को लेकर पी चिदम्बरम ने कहा है कि भारत सरकार SBI VRS स्कीम लाने की प्लानिंग बना रही है। सामान्य दिनों में ये प्लान विवादास्पद होगा, पर ऐसा असामान्य दिनों में जब देश की अर्थव्यवस्था ढह गई है और लोगों की नौकरियां चली गई है, उसमें ये क्रूरता है। अगर देश के सबसे बड़े करदाता को लोगों की नौकरी से निकालना पड़ रहा है तो सोचिए दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म और MSME क्या कर रहे हैं। बेशक ये प्लान वॉलंटरी है, लेकिन हमें पता है कि ऐसे कर्मचारियों पर दबाव बना जाएगा जिनके बैंक छुटकारा पाना चाहता है। अगर ये नियम सच में वॉलंटियर स्कीम है तो इसे प्लान की तरह क्यों अनाउंस किया गया है और नंबर क्यों जारी किए गए हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर सोशल।